कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। कोरोना के संभावित लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों को परखने के लिए सपा सीएचसी पर मंगलवार को मॉक ड्रिल किया गया। सपा पर WHO की टीम ने जायजा लिया। WHO कुशीनगर के CMO डॉक्टर अंकुर संगवान ने सपा सीएचसी का बारीकी से निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उपकरणों का प्रयोग कर समझने की कोशिश की गई कि जरूरत पड़ने पर वह ठीक से काम करेंगे या नहीं। साथ ही मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी गई और तमाम उपकरणों को रन कराकर देखा। वो आइसोलेशन वार्ड PQ वार्ड का निरीक्षण भी किया। ऑक्सीजन प्लांट की मशीन आदि उपकरण का भी बारीकी से निरीक्षण किया। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की भी जानकारी लिया। मॉक ड्रिल के दौरान मिली कमियों को तत्काल दुरुस्त करने का आदेश दिया गया। चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए जिले के कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल स्थित SMCH विंग में बने कोविड L2 अस्पताल को सक्रिय कर दिया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य उपकरण चुस्त दुरुस्त कर दिए गए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य अधीक्षक कसिया डॉक्टर मार्कंडे चतुर्वेदी, प्रभारी सभा नेहरानी डॉक्टर आरिफ अली, फार्मासिस्ट अशोक बशीर, राम किशोर रामनाथ समेत स्टाफ मौजूद रहे। कोविड के लिए मॉक ड्रिल माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा कल आदेश किया गया कि हर जगह पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल कराया जाए। 10 बजे समय शुरू हुआ है। सवेरे से हमारे वहाँ ऑक्सीजन प्लांट जो संचालित है बिल्कुल सही अवस्था में है। अभी जनरेटर से माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट चालू है और हमारी पूरी तैयारियां कोविड के दृष्टिकोण से पूरी कर ली गई है। कुछ कमियां भी मिली है, उन कमियों को कमियां सिर्फ 2-3 दवाओं की थी जो अभी हम CMSD स्टोर में फार्मासिस्ट को भेज करके मंगवा ले रहे हैं। बाकी कोई कमी नहीं है। बाकी हमारा ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से संचालित है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।